एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है, सो वीडियो का टाइटल है इंजीनियर मिर्जा की जान खतरे में, एडम सीकर, और इनके चैनल का नेम है एडम सीकर डिबेट रिव्यू ऑफिशियल, एक्स मुस्लिम डिबेट रिव्यू ऑफिशियल। सो आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं, उदाहरणों छवियों और संदर्भों सहित वीडियो केवल मनोरंजन सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी गतिविधि को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अपने आप को दुनिया का सबसे अमन पसंद कहलाने वाली कौम ने ब्लास्फेमी के नाम पर न जाने कितने लोगों को हलाक कर दिया। इन लोगों के दिमाग में न जाने क्या भरा है। जरा सी बात होती नहीं है कि ये लोग सामने वाले को ब्लास्फेमी के नाम पर मारने और काटने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये लोग आज तक इसी बात पर आपस में ही लड़ते मरते चले आए हैं। पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर इंजीनियर मिर्जा भी ब्लास्फेमी के नाम पर हलाक होते होते बचे, वरना मिर्जा भाई भी किसी सड़क के किनारे कटे फटे पड़े नजर आते। जबकि इंजीनियर मिर्जा पाकिस्तान का एक जाना माना नाम है, लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। आइए देखते हैं एक जरा सी बात को लेकर इंजीनियर मिर्जा और उनके परिवार को क्या क्या झेलना पड़ा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर लफ्ज वहां पे वज यूज हुआ है, आप उसको बेटर भी को यूज कर सकते हैं, तो इसलिए किसी के डिक्शनरी खोले और डिक्शनरी में देखिए चेहरे को थोबड़ा कहते हैं। थोबड़ा अलग है, थोबड़ा अलग है, थोबड़ा अलग है, थोबड़ा जितनी दफा मना करोगे उतनी तो बोलूंगा। इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा ने चंद एक बातें की थी उसने, और तुम जैसे ही मुसलमानों ने उसके ऊपर गाली गलौज किया था और उसको कत्ल करने की धमकियां दी थी। हालांकि वो एक इस्लामिक मुसलमान इंजीनियर है और क्वाइट फ्रेंकली मुझे कई दफा कॉल कर चुका हूँ कि मेरे पास आए बात करें। क्यों? उसने तफसीर करते वक्त लोंडा कहा था मोहम्मद को, के कुफारे मक्का ने मोहम्मद को कुरान में बोला कि ये कल का लोंडा हमें ये करेगा। मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों ने इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा को गालियां निकाली, उसकी माँ को गालियां निकाली, उसकी बहन को गालियां निकाली, हालांकि वो लोगों को डेली मुसलमान करता है। साहिल भाई, वो जो मैंने आपको दिखाई नहीं थी एक वीडियो, मैं आप दिखाता हूँ। वहां तक तो पहुंच भी रहे थे उन लोग, उसको मारने के लिए गालियां दे रहे थे बाहर ऑफिस के बाहर उसके। एग्जैक्टली, सिर्फ हालांकि उसने बाद में वीडियो भी बनाई कि यार लोंडा लफ्ज जो है वो नौजवान नौ उम्र लड़के को कहते हैं। साहिल, लाइक सीरियसली, उस बेचारे को वीडियो भी बनानी पड़ी, फिर भी साहिल साहब देखें कितने, और ये देख किस तरह की बातें कर रहा है यार। ये चीज सर बहुत तंग, थोबड़ा बोलने में क्या क्या परेशानी है भाई को? थोबड़ा बोलने में क्या परेशानी है? कहता है कि नहीं थोबड़ा नहीं बोलना। मैंने कहा तो अब तो मैं बोलूंगा जितनी, तो जब तूने मना कर दिया ना, हालांकि उस वक्त मैंने जज्बात में बोल दिया और मैंने दोबारा नहीं शायद बोलना था, लेकिन चूंकि इसने मना किया लिहाजा मैंने बोलना। हाँ भाई, आरी साहब जी भाई, चेहरा बोलने में पहली बात तो जी आपने सर, वैसे ये बात मतलब उसके खिलाफ होती है कि अगर आप बात कर रहे हैं तो मेरा पॉइंट भी लें। सर, ऐसी बात है, जहां तक बात आपने वो की इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की, तो वो जो उसका एक बात थी वो अलग है, और उसमें ये है कि देखा जाए, जिस तरह मैं आपको वही एक मिसाल दे रहा था कि कुरान पाक में एक वर्ड आया था राइना का, ठीक है, तो नबी पाक के लिए, तो उसका एक मफहूम तर्जुमा उसका ये भी निकलता था चरवाहा जो बकरियां वगैरह चराता है, तो अल्लाह पाक ने आगे उसकी मतलब मना कर दिया, अल्लाह कालो राइना, मतलब राइना ना कहो बल्कि उनजोर। अच्छा, ये दूसरा वाला मेरे को इमाद की शक्ल का क्यों लग रहा है? ये दूसरा जो बोल नहीं रहा था वो भी सकता है यार, हो सकता है इमाद मिर्जा का पिछवाड़े का सुराग बंद, द डैमेज हैज बीन डन। देखो इमाद जैसा ही लग रहा है, इमाद ही है मेरे ख्याल में।
अरे ये तो इमाद ही लग रहा है यार, ये तो पक्का पक्का इमाद है। लग रहा है। इमाद तो गया। ये हैं वो लोग जो सबसे शांति प्रिय कौम से ताल्लुक रखते हैं। इन लोगों की बोल भाषा ही इनकी असली पहचान है। ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए मीठे बोल बोलते हैं, वरना इन लोगों की जुबान तो सिर्फ आग उगलना ही जानती है। इमारत के पिछवाड़े का सुराग बंद, the damage has been done. यार देखे साहिल, इतना इन लोगों का ये मुसलमान बंदा है इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा, पता नहीं कितने लोगों को मुसलमान कर चुका है ये, और कितने ही मुसलमानों को तबलीग कर चुका है, सिर्फ चंद अल्फाज के ऊंच नीच के ऊपर। ये क्या यार, उसकी बेटी का क्या कसूर है जिसका पेशाब बंद करना इन्होंने ये पेंसिल बॉक्स डाल के उसके अंदर? उसकी बीवी का क्या कसूर है? उसकी माँ का क्या कसूर है? यार आप इनके अल्फाज देखो यार, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं साले, मर क्यों नहीं जाते सर? उन 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 करोड़ों मुसलमानों का क्या कसूर है जिनकी वो तकलीफ पहुंचाई है मिर्जा मोहम्मद? कौन सी तकलीफ? कौन सी तकलीफ सर? उसने डिक्शनरी वर्ड बोले मोहम्मद पेडोफाइल था, डिक्शनरी वर्ड है पेडोफिलिया। अगर आप 18 साल से कम उम्र लड़की के साथ कम अज कम 8 साल के डिफरेंस के बाद शादी करते हैं 16 साल से कम उम्र लड़की के साथ, तो आप पेडोफाइल है। दिस इज अ डिक्शनरी वर्ड। मोहम्मद 53 इयर्स का था जब उसने 9 साल की आयशा के साथ सेक्स किया था। बुखारी की हदीस है, सुनन नसाई की हदीस है, अबी दाऊद की हदीस है। बाय द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड मोहम्मद वाज अ पेडोफाइल। व्हाई कांट आई से मोहम्मद वाज अ पेडोफाइल? अगर डिबेट करनी है तो आप एटलीस्ट अच्छे वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, और एक भाई पेडोफाइल से अच्छा लफ्ज है इसलिए आप बात कर सकते हैं। आप देखिए मुझे जितने पेडोफाइल से अच्छा लफ्ज है मेरी जितने भी देखिए एडम, आपसे मेरी जितनी भी गुफ्तगू हुई आपसे मेरा एक इख्तलाफ अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मैंने आपको अभी तक आप क्या के बुलाया आपके बारे में सर, मैंने मैंने भी आपको सर सर कह के बुला रहा हूं, मैं भी आपको सर सर कह के बुला रहा हूं अभी तक। मैंने कहा सर पेडोफाइल से अच्छा लफ्ज है मुझे। तो सर जो मेरे नजदीक सर मेरे ईमान का वो हिस्सा है कि जिसको आप ये समझ लें कि जिसपे मेरी हर शय कुर्बान, जिसपे मेरे माँ बाप, मेरा माल, मेरी हर चीज कुर्बान, उसके बारे में जो है आप अगर ना यूज करें मतलब मेरी फीलिंग्स हर्ट ना करें तो वो जरा मैं तो बैक स्टेज आप बोलते बहुत ज्यादा और मुद्दे की बात नहीं करते। मैंने आपको 10 दफा एक ही क्वेश्चन किया है, पेडोफाइल अगर उसे ना कहूँ तो क्या कहूँ? मुझे पेडोफाइल से अच्छा लफ्ज दें, हालांकि दिस इज अ डिक्शनरी वर्ड, प्लीज गिव मी अ बेटर वर्ड। जी आपने मुझे फिर वापस ले लिया। अच्छा मैं फिर ये कह रहा था कि आप उसमें से कह सकती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया हजरत आयशा से, तो बस इसमें क्या नहीं, एक, तो जिस, नहीं निकाह फरमाया की बात नहीं है, फरमाया वो जो मर्जी, जो तरीका था 53 साल का 9 साल के साथ, या तो मैं उसे कहूंगा बच्चीबाज, और अगर मैं बच्चीबाज नहीं कहूंगा तो कहूंगा पेडोफाइल। तो पेडोफाइल एक अच्छा लफ्ज है, इज्जत वाला लफ्ज है, डिक्शनरी वर्ड है, बच्चीबाज एक बाजारी लफ्ज है, सो आई एम यूजिंग अ बेटर वर्ड, डिक्शनरी वर्ड। इन लोगों को अपने आइडियल पर्सन के कुकर्मों पर शर्म नहीं आती, पर इनकी किताबों में लिखी बातें ही इनको पढ़कर सुना दो तो इनके लिए ब्लास्फेमी हो जाती है। मुझे बताएं इससे अच्छा लफ्ज क्या होगा पेडोफिलिया के लिए? मैंने आपको बता चुका हूं कि आप आराम से सीधी तरह एक जो बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हजरत आयशा से निकाह फरमाया, बस उसकी आगे हां तो बच्ची, छोटी बच्ची के साथ सेक्स करने वाले को क्या कहते हैं सर? निकाह किया, छोटी 9 साल की बच्ची के साथ, 9 साल की बच्ची के साथ निकाह करने वाले को क्या कहते हैं सर? उन्होंने निकाह फरमाया हजरत आयशा उस वक्त बालिग थी, 9 साल की बालक बच्ची के साथ सेक्स करने वाले को क्या कहते हैं? हजरत आयशा उस वक्त बालिग थी, तो उन्होंने निकाह फरमाया, अपनी सोबत फरमाई अपनी बीवी के साथ। मैं वही कह रहा हूं, 9 साल उनकी जौजा थी, उनकी जौजा थी, उन्होंने अपनी जौजा के साथ जो है हकीकत जौजियत अदा बालक बच्ची के साथ सेक्स करने वाले को क्या कहते हैं सर? सर मैंने बताया उन्होंने निकाह फरमाया, बस बात यहां पे खत्म। मेरा नहीं ख्याल सर, मैं वही पूछ रहा हूं आपसे, करने की जरूरत है सर। मेरा सवाल क्या है? आपने कहा कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है निकाह फरमाया हजरत आयशा से, तो मैंने वही बात आपको की। नहीं आपको बैक से इसलिए कहा कि एटलीस्ट आप मेरा सवाल सुन लें। 9 साल की बालक बच्ची से 53 साल की उम्र में सेक्स फरमाने वाले शख्स को क्या कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन। मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने निकाह किया। अच्छा एडम साहब, एडम साहब उनसे इस तरीके से पूछो। अच्छा एक मिनट एडम साहब, ये असल में भाई नहीं जवाब देंगे। आप पूछिए सर, आप पूछिए। मोहम्मद आरिफ साहब पीडोफाइल किसको कहते हैं? सर अगर इसकी तो फिर देखना पड़ेगा कि डिक्शनरी में इसके अलग-अलग मीनिंग्स हैं। बोलिए ना एडम साहब, देखो ये तरीका देखो, खत्म जी, टाटा बाय बाय हो गया, डिस्ट्रॉयड सर। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको देख लेंगे तो इसके अलग-अलग मीनिंग्स भी। अच्छा अलग-अलग मीनिंग आप बता दो, पीडोफाइल किसको कहते हैं? अलग-अलग मीनिंग बता दो
सर पीडोफेलिया बेसिकली एक जो है क्या कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर है वो हाँ. उसको कहा जाता है पीडोफेलिया मेंटल डिसऑर्डर है तो ठीक है हाँ, ठीक है वो ठीक है कि वो मतलब एक जो जो बड़ी उम्र का बंदा होता है वो उसमें करता है तो इसमें ऐसे कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी हटा दो सिर्फ पीडोफाइल किसको कहते हैं सर उनकी बात ही सर बात ही उनकी चल रही है तो मैं कैसे जो है उनको नहीं हमको अभी अभी इंटरेस्ट नहीं है आरिफ साहब प्लीज यार जलेबी मत बनाओ ये लोग चाहे जितना जलेबी बना लें पर सच्चाई को छुपा नहीं सकते अगर ये लोग अपने आइडियल पर्सन की सुन्नत को फॉलो करना अपनी शान समझते हैं तो अपनी बहन और बेटियों का निकाह 50 साल के बाबे से क्यों नहीं करवाते हैं देखिए देखिए सर मैं वही बता रहा हूँ पीडोफाइल में और आप जो कंपेयर कर रहे हैं उस चीज में फर्क है अरे हम अभी कंपेयर नहीं कर रहे भाई नहीं कर रहे पीडोफाइल वो बंदा होता है यार जो भागता फिरता है छोटी उम्र की बच्चियों को उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और ये चीजें करता है इस तरह तो वो चीज है वो मतलब ये मतलब अट्रैक्ट मतलब होता है उनकी तरफ और ये चीजें से मुराद ये मैं कह रहा हूँ कि भागता है उनकी तरफ मतलब लपकने की कोशिश करता है इस तरह अलग चीजें जो है तो वो एक अलग चीज है और सेक्स करता सर, है वो एक जाहिर सी बात है वो रेप भी कर सकता है वो हर चीज कर सकता है वो जब एक मेंटल डिसऑर्डर पर्सन है वो सब कुछ कर सकता है अब इस डेफिनेशन के हिसाब से आपके रसूलुल्लाह जो है वो इस डेफिनेशन में आते या नहीं आते नहीं आते मैंने वो आपको वही पहले बताया कि नहीं आते आप पहले बात सुन ली है पीडोफिलिया एक मेंटली डिसऑर्डर है जिस तरह पागलपन होता है जिस तरह स्किज़ोफ्रेनिया इंसान को बीमारी होती है सर आप विकिपीडिया खोले एडम एडम आप विकिपीडिया खोले सर आपने भी तो गूगल खोला मैंने आपको कुछ कहा मैंने आपकी बात मान ली ओ ब्रदर मैंने आपकी बात मान ली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ओ भाई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डज इट से मेंटल डिसऑर्डर नहीं इट सेज अ पर्सन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन फुल स्टॉप दैट्स इट सर आप यहां पे देखिए आप सर पीडोफाइल देखिए मैं बता रहा हूं पर्सन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन बस This is Oxford Dictionary. तो देखा दोस्तों यही है असली इस्लाम आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें इस्लामिक कल्ट से बचें अपना ख्याल रखें जय हिंद वंदे मातरम सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और इंजीनियर मिर्जा के पीछे क्यों लोग बड़े हुए हैं उसकी एक रीजन भी मुझे हम लोगों को इस वीडियो में नजर आ गई मतलब बहुत लोग उसको डिसलाइक करते हैं जैसे जाकिर नायक को अब बहुत लोग डिसलाइक करना शुरू हो गए इसी तरीके से इंजीनियर मिर्जा के पीछे तो ज्यादा ही लोग कुछ पड़े हुए हैं तो अच्छा यहाँ पर मुझे क्लियरली बात की समझ नहीं आई कि मतलब इंजीनियर मिर्जा ने खुद ये वर्डिंग यूज की है या उसने जो है वो तो मतलब जो ताइफ के लोग थे या जो कफारे मक्का थे उन्होंने ये वर्डिंग यूज की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो वो उसने जस्ट ट्रांसलेट करके बताई है अगर तो उसने जस्ट ट्रांसलेट करके बताई है कोई आयत या कुछ जो वर्डिंग उन्होंने बोली है कफारे मक्का ने तो फिर तो मतलब उसका कसूर नहीं क्योंकि ये तो वो लोग बोल रहे हैं ना तो फिर वो लोग तो कुछ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की बातें करते थे उन्होंने तो इतनी अजीतें इतनी तकलीफें दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं अगर तो ये बोल रहा है इंजीनियर मिर्जा नबी सल्लम के बारे में तो वो बिल्कुल गलत है ऑब्वियसली फिर तो उसके साथ ये सलूक होना चाहिए और जो जिस तरह की वर्डिंग इन्होंने यूज की आगे वो बंदों ने आकर वो भी वीडियोस बनाई हैं इस तरह की वो इंतहाई गलत है भाई जिसकी गलती है ना आप उसको हाँ उसको सजा दो उसके बारे में जो मर्जी बोलो आप जो है वो उनकी इज्जतों पे जा रहे हो उनकी बहनों माओ बीवियों पे जा रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है उसने जो है वो अगर आगे से रिप्लाई में वो आपको ऐसे कह दे तो आपको कैसा लगेगा तो मतलब ये बिल्कुल गलत है मुसलमान भी वही बात के मुसलमान इतनी सी बात सुन के ना जल्दी गुस्से में आते उनको पता नहीं चलता कि बात सही है या गलत है बात किस कॉन्टेक्स्ट में है लेकिन फिर वही बात कि अगर अल्लाह और नबी का रिश्ता जो है ना हमारे साथ इतना वो मजबूत और इतना सेंसिटिव टाइप का ये रिश्ता है ना कि मतलब इसके बारे में हम वाकई कोई बात नहीं सुन सकते लेकिन फिर भी जो है मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा साबित कदमी का मुजाहरा करना चाहिए थोड़ा सा कहते ना पेशेंस रखना चाहिए बात को सही से समझना चाहिए कि बात हो क्या रही है अगर तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात है कि वो उनका तर्जमा करके बोल रहे थे फिर तो मतलब इसमें कोई नहीं क्योंकि उन्होंने ही बोला तो वो उसका तर्जमा करके बोल रहे थे लेकिन अगर खुद से बोल रहे थे तो इंजीनियर मिर्जा को भी सोचना चाहिए कि वो किस हस्ती के बारे में बोल रहा है तो जो भी है उसके बारे में गुस्से का इजहार करो कुछ भी करो लेकिन इस तरह की लैंग्वेज जो है ना वो यूज करना गलत है और ये जो भाई साहब थे जिनका चैनल था ये मुझे ऐसे लग रहा था कि
पूरे का पूरा एडम साहब बनने की कोशिश कर रहे हैं सेम उनका उनके वाला हुलिया और जरा थोड़ी सी वीडियो रोके फिर वो अपना ज्ञान भी साथ साथ देते थे जैसे एडम देता है और बाकी ये पीडोफिलिया वाली बात या जो भी ऐसे मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ जितनी भी बातें हुई हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और नताशा के टॉपिक के ऊपर तो हम बहुत सारी बात कर चुके हैं इसलिए वो मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहती। अच्छा मैं यहाँ पे यही बात करूंगी कि हाँ मुसलमान जो है ना वो ठीक नहीं है यहाँ से अभी मिर्जा इंजीनियर की बात हो रही है ठीक है ये थोड़ा वो कह लो अब जाना हुआ थोड़ा जो है ना वो मौलवी है लेकिन अगर ये आम इंसान होता ना जैसे अभी जड़ावाला में जो पाकिस्तान में रिसेंटली जो वाकया हुआ था वो भी ब्लास्फेमी हुई थी अब पता नहीं वो क्या बात थी लेकिन जो है लोगों ने क्या किया कि पूरी क्रिश्चियन जो कम्युनिटी थी उनके घर जला दिए चर्च जला दिए मतलब बात की रिसर्च किए बगैर ही जो है ना बस हम कहते हैं ठीक है जैसे ये अभी जो मोमिन भाई का कहता था कि नबी पाक पे जो है हमारे वालदैन कुर्बान हमारी औलाद कुर्बान हमारी जान कुर्बान हमारा सब कुछ कुर्बान हमारा ये अकीदा है और हम इस करने को भी तैयार है लेकिन अगली जो अगर कोई बात होती है ना उसकी तहकीक भी करनी हाँ। चाहिए उसके पीछे जो हिस्ट्री है उसको जान लेना चाहिए फिर वही बात के अगर तो मिर्जा जी ने मुझे इतना भी पागल नहीं लगता यार वो मतलब मुझे लगता है उसने ट्रांसलेशन ही की उसने की होगी लेकिन हम लोग वो आधी अधूरी बात सुनते हैं ना हम कहते हैं अच्छा इसके मुंह से लोंडा निकल आया है ये नहीं उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं जाने की कोशिश करते कि उसने ट्रांसलेशन किया या क्या किया या खुद से बोला है बस सुन लिया लफ्ज लोंडा और नबी पाक के बारे में बस जी डे मार साढ़े चार शुरू हो जाओ और सबसे बड़ी बात मुझे ये मैं जनरल बात कर रही हूँ हम लोग इसके ऊपर भी पहले भी बात करते रहते हैं खुद से वैसे भी बात करते रहते हैं कि ये आदमियों की बहुत बड़ी गंदी खसलत है कि अगर कोई भी बात हो ना वो सीधा माँ बहन तक जो है वो पहुंच जाते हैं मतलब माँ बहन तो हम लोगों के लिए कुछ नहीं है एक हमने एडम की भी वीडियो देखी उसमें इसको मोमिन ने किसी ने कुछ कहा तो ये इसने कहा कि यार तुम माँ की जो है माँ बहन की प्राइवेट पार्ट तक मत जाओ तो हम लोगों को इतना बुरा लगता है कि यार जो भी किसी को गुस्सा निकलता है उसकी माँ या बहन का या बेटी का क्या कसूर है वो तो बेचारी घर में बैठी है ना अगर मिर्जा जीने कुछ बोला है तो तुम उसको भी जो हो सकता है बोलो उसकी माँ बहन या बेटी तक और किस्म की जो चीजें लेके आए हुए थे वैसे गंदी गालियां निकालना ये कहा कि ये मतलब इंसानियत है ये तो बिल्कुल एक जानवर मैं तो कहती हूँ वो भी उससे भी बदतर है जो ये लोग हैं और इतनी इतनी दाढ़ियां रखी हुई हैं जो बोल रहे थे बकवास कर रहे थे उनकी दाढ़ियां थी तो क्या तुम्हें इस्लाम ये सिखाता है कि माँ बहन तक पहुंच जाओ और उनके प्राइवेट पार्ट तक पहुंच जाओ और इस किस्म की गंदी गालियां निकालो फिर तुम किस चीज का इस्लाम फॉलो कर रहे हो ठीक है नबी पाक हमारे लिए सब कुछ है लेकिन मिर्जा इंजीनियर को बोलो उसकी माँ बहन या बेटी तक पहुंचने की तुम लोगों को क्या जरूरत है ऐसे मौलवियों को तो मैं तो कहती हूँ बाकी चौराहे में खड़े करके ना उनको जूते मारने चाहिए कि तुम लोग क्या लोगों को दिखा रहे हो तो बहरहाल वीडियो ठीक ही थी सो खैर ये था हमारा रिएक्शन होप सबको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ तब तक हमें दें इजाजत अल्लाह हाफिज़।